हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो रहेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता के नियम। इसका मतलब क्या रहता है कि कौन सी संख्या में दो का भाग चला जाएगा, किस में तीन का जाएगा, चार का, पाँच का, छः, सात, इस तरह से। मतलब बिना भाग दिए आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किन संख्याओं में इनका भाग चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक, कुछ मैंने यहाँ लिख दिया, इनके अलावा भी और भी नंबर्स हैं, जैसे हमने इन सबको देखेंगे, इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स इनको हम देखने वाले हैं। तो आइए चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन संख्याओं में दो का, चार का, आठ का, सोलह का, इस तरह से आगे भी और संख्याओं का भाग जाएगा। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि दो क्या है भाई, इवन नंबर है ना, सम संख्या है। मतलब अगर किसी भी संख्या में जैसे लिखा हो 3, 5, 6, 7, 8, आपको देखना है इसमें दो का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो ज़रूरी होगा कि उसके यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो कैसा इवन हो या फिर कैसा हो, जीरो हो। ठीक है, जीरो क्या होता है, इवन इंटीजर होता है ना। तो क्या कहा मैंने, अगर आपको चेक करना है किसी संख्या में दो का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है अगर वो इवन है या फिर जीरो है, जीरो है तो क्या हो जाता है, वो दो से डिविजिबल होगा, है ना। ये हमने दो में देखा सिर्फ यूनिट प्लेस पर रहता है। अब देखना है आपको चार का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। तो चार का भाग देखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे लिखा है नंबर 4744, है ना। तो इसको हम यूनिट प्लेस के लिए चेक नहीं करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या में यदि उसके आखिरी के दो अंकों में चार का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी चार का भाग चला जाता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 44 लिखा हुआ है, क्या 44 फोर से डिविजिबल है, तो हाँ 44 जो है फोर से डिविजिबल है। इसका अर्थ यही निकलेगा कि 744 भी फोर से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो अपनी कॉपी पे ट्राई कर लीजिएगा। मान के चलिए यदि नंबर लिखा हुआ है 4783154 8 और लिख दिया मैंने यहाँ 2। ठीक है, अब ये नंबर इतना बड़ा लिखा है मैंने, अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमको पूरी संख्या में भाग नहीं देना पड़ेगा, हम क्या करेंगे सिंपली आखिरी के दो अंकों में चार का भाग लगाएंगे। क्या आखिरी के दो अंकों में चार का भाग जा रहा है, तो भाई 82 जो होता है 4 से डिविजिबल नहीं होता। इसका अर्थ यही निकलेगा कि पूरी संख्या में भी चार का भाग नहीं जा पाएगा अगर इसके प्लेस पर 4 होता। ठीक है, तो क्या अब इस संख्या में चार का भाग जाएगा, तो हाँ 84 जो है भाई 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब यही है कि पूरी संख्या भी जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। एक और बात और ध्यान रखना कि दो के केस में क्या होता है, या तो नंबर इवन हो या फिर एटलीस्ट वन, एक जीरो तो होना ही चाहिए, उसके अलावा और भी जीरो है तो भी नंबर दो से डिवाइड हो जाता है। ऐसे चार केस में क्या होता है, या तो आखिरी की संख्या जो है चार से डिवाइड हो या उसके पीछे कितने जीरो हो, एटलीस्ट दो जीरो हो, उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन कम से कम दो जीरो हो। जैसे मान के चलिए क्या 100 चार से डिविजिबल है, तो हम दो जीरो में तो चार का भाग नहीं लगा सकते थे, लेकिन हाँ पूरे 100 में दो जीरो लगे हुए हैं ना। क्या कहा मैंने, आखिरी के दो अंकों में चार का भाग तो नहीं लग पाएगा, लेकिन हाँ मैंने क्या कहा कि दो जीरो हैं तो भी ये चार से डिविजिबल है। जैसे मैंने क्या कहा 476 ये नंबर लिख दिया। अब आखिरी के दो अंकों को तो हम चेक नहीं कर पाएंगे चार से भाग देकर, लेकिन एक और कंडीशन क्या बता दिया मैंने कि यदि पीछे दो जीरो भी लगे होते हैं तो अभी नंबर चार से डिविजिबल होता है ना। एटलीस्ट दो जीरो होने चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो हमने दो का देखा और चार का देखा, चार में क्या देखा हमने, आखिरी के दो अंकों में चार का भाग जाना चाहिए, यदि आखिरी के दो अंकों में चार का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी चार का भाग चला जाता है ना, और या फिर दो जीरो होने चाहिए। ऐसे ही आठ केस में होता है, आठ में कुछ खास अलग नहीं होगा, बस क्या करना होता है आपको, आखिरी के तीन नंबर्स लेने होते हैं। कितने नंबर, आखिरी के तीन, यदि आखिरी के तीन नंबर में आठ का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में भी आठ का भाग चला जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, इतना समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को,
ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने ज़ीरो, ठीक है। आखिरी की तीन अंक ये रहे मेरे, क्या इसमें आठ का भाग जाएगा? आप लगा लीजिए, आठ सौ चालीस में आठ का भाग लगाएंगे, एक ज़ीरो पाँच, मतलब आठ सौ चालीस में आठ का भाग चला गया। अगर यहाँ पे आठ का भाग चला गया मतलब पूरी संख्या में भी आठ का भाग चला जाएगा। अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू, क्या अब यहाँ पे आठ का भाग जाएगा? तो भाई आठ सौ बयालीस में आप आठ का भाग लगाएंगे एक बार और फिर भाग नहीं जाएगा, मतलब ट्राई कर लेना, तो भाग यहाँ नहीं जाएगा पूरा पूरा, मतलब पूरी संख्या में भी आठ का भाग नहीं जा पाएगा। और जैसे कि लिखा होता अभी नंबर लिखा, अब पूरी संख्या में नहीं चेक करना, आपको कितना करना आखिर के तीन अंक देखने होते हैं ना, तो क्या यहाँ पे आठ का भाग जाएगा? तो हाँ, चार सौ अट्ठासी में आठ का भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या भी जो है आठ से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब या तो आखिरी की तीन संख्या में आप भाग देकर देख लीजिए, या फिर संख्या के आखिरी में कम से कम तीन जीरो होने चाहिए। यदि संख्या कोई भी संख्या हो यदि उसके आखिरी में तीन जीरो होंगे कम से कम, उससे ज़्यादा हो तो चल जाएगा, अगर तीन जीरो होंगे कम से कम तो पूरा नंबर भी आठ से डिविजिबल होगा, है ना। इनको हम याद कैसे रख सकते हैं भाई? टू की पावर वन है तो आपको सिर्फ एकाएक अंक देखना होता है, टू की पावर टू मतलब आखिरी के दो अंक, ये कैसे होता है? टू की पावर थ्री मतलब आखिरी के तीन अंक, ये कितना होगा? टू की पावर फोर, बात समझ में आती है? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? आखिरी के चार अंक देखते हैं, या फिर जीरो कितने होने चाहिए? एटलीस्ट चार होने चाहिए। ऐसे इसी सीरीज को आप आगे ही बढ़ा सकते हैं, आगे इस करके टू की पावर फाइव, टू की पावर सिक्स, है ना। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझा वो किसका समझ लिया भाई? दो चार छः आठ सोलह, इस पैटर्न पर जो जितने भी आगे आते जाएंगे उनको हमने देख लिया। अब बारी आती है पाँच पच्चीस एक सौ पच्चीस, इनको देखते हैं। तो बताओ भाई किन संख्याओं में पाँच का भाग जाता है? कोई भी नंबर हो आपको पता होगा, यदि इसके आखिरी में पाँच हो या फिर जीरो हो तो पाँच से इजीली डिविजिबल होगा वो। जैसे कि मैंने कहा, क्या ये कटेगा पाँच से? डेफिनेटली कटेगा, क्यों? इसके आखिरी में जीरो है। और जैसे लिख दिया मैंने 355, क्या ये डिविजिबल होगा? हाँ, क्योंकि इसके आखिरी में कितना है? पाँच है। आखिरी में पाँच से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है? जो एकाएक का अंक है, यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू है वो या तो पाँच हो या फिर जीरो हो तो कट जाएगा, है ना। और जीरो से मतलब कम से कम एक जीरो तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो चल जाता है काम, है ना। इसमें क्या देखा हमने? या तो फाइव हो या फिर एटलीस्ट वन जीरो होना चाहिए। अब पच्चीस केस में क्या होता है? ये फाइव की पावर वन, तो ये फाइव की पावर कितना है? टू। जैसे हमने टू में के केस में किया था, टू फोर एट के केस में, ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर हम क्या देख चेक करेंगे? आखिरी के दो अंक, यदि कोई भी नंबर उसके आखिरी के दो अंक जो है 25 से डिविजिबल होते हैं तो पूरा नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा। या फिर उसमें एटलीस्ट कितने जीरो होने चाहिए? आखिरी में दो जीरो होने चाहिए। ऐसे हम 5 की पावर कितना करते हैं? 3। अगर कोई भी संख्या उसके आखिरी के जो तीन अंक हैं, लास्ट के थ्री डिजिट्स हैं, यदि वो 125 से डिविजिबल होंगे तो पूरा नंबर भी 125 से डिविजिबल होगा। या फिर उसमें कितने जीरो होने चाहिए? आखिरी में तीन जीरो होने चाहिए। आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने ओरली आपको बता दिया, इसको आप किसी नंबर पर ट्राई कर लीजिएगा अपने घर पे, और यदि कुछ डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और वैसे उम्मीद करूंगा अब डाउट होगा नहीं, बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाया है। ऐसे पाँच के पास चार, पाँच के पास छः, इस पर भी जा सकते हैं ना। तो हमने दो चार, दो हुआ तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो हमने दो का देख लिया है, चार का देख लिया है, आठ का देखा है, पाँच का देखा है ना। अब बात करते हैं हम तीन और नौ के केस की, है ना। मतलब आपको ये चेक करना है कौन सा नंबर तीन से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर नौ से डिविजिबल होगा बिना भाग दिए, तो हम कैसे करेंगे वो देखना। जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर, इनके क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं ना। अब बताओ भाई क्या नंबर तीन से कटेगा? तो उसमें कुछ खास नहीं करना होगा हमको, हम क्या करेंगे सिंपली, ये जो नंबर है इन तीनों को हम आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। 184 एक नंबर लिखा हुआ था, इसमें जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करके देखते कितना होगा, आठ चार बारह और एक तेरह। आपने नंबर्स को जितने भी डिजिट्स हैं उनको हमने ऐड किया,
कितना आया, 13 आया। आपको बस ये चेक करना है कि 13 3 से डिविजिबल है तो नहीं, 13 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग अब नहीं जाएगा। हाँ, अगर इसके प्लेस पे हम कर देते कितना 3, तब हमारे जो डिजिट सम का सम कितना आएगा, 8 और 3 11 और 1 12। क्या 12 3 से डिविजिबल है, तो हाँ 12 3 से डिविजिबल होता है, मतलब अब इस पूरे नंबर में भी 3 का भाग चला जाएगा। आप चाहें तो देख लीजिए, 183 को डिवाइड करें 3 से कितना आएगा, 61। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। इसका मान से लिखा हुआ है यहाँ पर 41325। अब आपको चेक करना भाई ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तब क्या करेंगे, कुछ खास नहीं, आप जितने भी डेट्स लिखे हुए हैं इनका आपस में ऐड कर दीजिए, 4 1 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है, तो हाँ 15 3 से डिविजिबल होता है, मतलब इस पूरे नंबर में भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो हमने 3 के लिए किया सेम एज इट इज 9 के लिए भी होता है, कुछ खास नहीं, अलग नहीं होता उसमें। अब क्या करना होगा, आप सभी नंबर्स को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे जो भी सम आएगा, क्या कहा मैंने, इन नंबर्स को ऐड करने के बाद जो भी सम आएगा, यदि वो सम 9 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये निकल के आ जाएगा कि पूरे नंबर में भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका एक आध एग्जाम्पल आप लोग ट्राई कर लेना, है ना, कुछ डाउट इसमें, अगर कुछ डाउट हो तो भाई वीडियो को रिपीट करके देख लेना। वैसे मुझे लगता नहीं कि डाउट होगा, इतना इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हमने किसको देख लिया, 3 और 9 का और हो गया ना। अब बात आती है भाई, अभी 6 को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, उस पर भी आएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद आएंगे। अब बात करते हैं हम 7 की और 13 की। ठीक है, ध्यान देना, जैसा ट्रीटमेंट 7 का रहता है वैसा ही ट्रीटमेंट 13 का भी होता है ना। मान के चलिए लिखा हुआ है यहाँ पर 4537792। अब कुछ चेक करना है क्या ये नंबर 7 या फिर 13 से डिविजिबल है क्या। ठीक है, मैं दोनों को साथ में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो रूल 7 का होता है वही रूल 13 का भी होता है ना, उनमें कुछ अलग नहीं होता। तो क्या करेंगे हम, आपको यहाँ पे 3 3 के ग्रुप बनाने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 का ग्रुप बन गया, यहाँ पे 3 का ग्रुप बन गया, यहाँ नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, इसको मैसेज छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा पहला ग्रुप है, ये हमारा कैसा है दूसरा ग्रुप है, और ये हमारा थर्ड ग्रुप का हिस्सा है ना, मतलब ये और ये ऑड प्लेस पर और ये इवन प्लेस पर है। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये और ये जो है ऑड प्लेस पर है और ये कैसा है इवन प्लेस पर है। तो आप क्या करेंगे, जो ऑड ऑड प्लेस पर उनको आप ऐड कर दीजिए, और जो इवन इवन प्लेस पर जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए और भी बड़ा नंबर होता तो हम सारे ऑड वालों को ऐड कर देते और सारे ही इवन वालों को ऐड कर देते, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, क्या कहा मैंने, जितने भी ऑड नंबर ऑड प्लेसेस पर नंबर्स लिखे हो उनको हमने देखा, जितने भी इवन नंबर के ग्रुप हैं उनको हमने देखा, उनका हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आने पर ये डिफरेंस या तो आपका जीरो आ जाए या फिर वो नंबर आ जाए, जैसे 7 के केस में देखो, या तो वो जीरो आ जाए या फिर वो नंबर आ जाए जो 7 से डिविजिबल होगा, तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होता है। अगर इसी में हम 13 की बात करें, या तो जीरो आ जाए या फिर वो नंबर आ जाए जो 13 से डिवाइड होता है, तो पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होता है। ठीक है, आई होप थोड़ा समझ में आया होगा, मैं इस एग्जाम्पल को करवा देता हूँ, थोड़ा बेहतर रहेगा, उसका हम 2 3 क्वेश्चन और भी कर लेंगे, पॉइंट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या कहा मैंने, आप इसको और इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 796। आपने 792 प्लस 4 किया, कितना है 796, माइनस में कितना करना होगा 537। यहाँ हमने डिफरेंस निकाला तो ये आया 259 आया। ठीक है, अब हमको देखना है ये जो डिफरेंस हमने निकाल दिया, अब देखते हैं ये 7 से डिविजिबल है कि 13 से डिविजिबल है। हमने 7 से भाग लगाया तो भाई 7 से एक बार में गया 21 और बचा 4, तो 7 7 49, मतलब 7 से डिवाइड हो गया 259, मतलब ये पूरा ही नंबर 7 से तो डिवाइड हो जाएगा।
है ना। 1300 ट्राई कर ले हम, ठीक है 13 से डिविजिबल नहीं है, है ना, क्योंकि 259 जो है तो उसमें 13 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 7 और 13 दोनों को एक साथ बता दिया, यदि कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको फिर से दोबारा बता दूंगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना होता है हमको, हम ऑड प्लेसेस के ग्रुप बना देते हैं और इवन प्लेसेस ग्रुप अलग बना देते हैं, तीन तीन ग्रुप बनाते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफरेंस या तो जीरो आ जाए या फिर वो नंबर आ जाए, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है, जैसे मैं कहूँ फिर से रिपीट करता हूँ, 7 और 13 वाला केस देखते हैं हम, अगर हम 7 वाला केस देखेंगे तो वो नंबर या तो 0 होना चाहिए या फिर 7 से डिविजिबल होना चाहिए, या 14 28 कुछ भी आ जाए। यदि हम 13 की बात करेंगे तो या तो नंबर 0 या फिर ऐसा कुछ भी नंबर हो जो 13 से डिवाइड होता हो। पॉइंट इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मान के चलिए जैसे लिखा हो यहाँ पे 13 13 13, ठीक है, तो भाई ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का ग्रुप बन गया, है ना, ये अलग ग्रुप का, ये अलग ग्रुप का, मैंने कहा आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इसमें जब इसको घटा दें हम तो आएगा कितना, ये 182, ठीक है। अब ये बने हमको चेक करना है नंबर 13 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना, इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया, कितना है 182। अब आप मेरे को ये बता दीजिए कि 182 13 से डिविजिबल है, अब भाग लगा कर देख लेना, तो हाँ 182 जो होता है 13 से डिविजिबल होता है। अगर ये 13 से डिविजिबल है मतलब पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करते 7 की, तो हम यहाँ 7 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाता तो पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, और अगर नहीं होगा तो पूरा नंबर भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमने किसका देख लिया, 7 का और 13 का और देख लिया, है ना। अब बात आती है यहाँ पर ये 6 का, हम थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊँगा, इसको अभी छोड़ देना, 11 की, है ना। हमको चेक करना है कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होता है और कौन सा नंबर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखती है मैंने 121। वैसे जनरली सभी को पता होगा कि नंबर 11 से डिवाइड होता है, लेकिन इसको अगर और बड़ा नंबर आ जाए और आपको बिना भाग दिए पता करना हो कैसे डिवाइड होगा या नहीं होगा 11 से, तो आप क्या ट्रिक लगाते हैं ध्यान देना। यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाते जो हमने 7 और 13 में लगाया था, लेकिन वहाँ हम ग्रुप बनाते हैं, हम ग्रुप नहीं बनाते 11 केस में। हमने देखा कि ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर पे लिखा है, सेकंड नंबर पे लिखा है, थर्ड नंबर पे लिखा है, हमने यहाँ से काउंट किया, तो मतलब ये और ये जो है ऑड प्लेसेस पे लिखे हैं, ये इवन प्लेसेस पे लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑड वालों को अलग ऐड कर देंगे, इवन वालों को अलग ऐड कर देंगे, तो कितना है, ऑड वालों को सम 2 आया, इवन वालों को सम 2, इवन वाले 2 थे ही। आप इनका अंतर निकालना, अंतर या तो कितना हो फिर से 0 हो, या फिर कोई भी ऐसा नंबर हो जो 11 से डिवाइड होता हो, जैसे 11 22 33 44, कुछ भी ऐसा, तो पूरा नंबर भी जो है वो 11 से डिवाइड हो जाता है। बात समझ में आई, जैसे मैं यहाँ पर नंबर लूँ आपका 1331, ठीक है, तो भाई यहाँ पे सम का ऑड नंबर्स के जो वैल्यूज है उनका सम कितना है 4, इवन नंबर्स के वैल्यू का सम कितना है 4, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 0, अगर डिफरेंस 0 आ गया मतलब पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा यार डिफरेंस 0 आ जाना चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड होता हो, है ना। आप इसकी जगह कुछ भी और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 4 5 6 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 5 और 3 को अलग ऐड करेंगे, 6 और 4 को अलग ऐड करेंगे, तो 1 5 3 कितना हुआ, 5 1 6 और 3 9, और 6 और 4 कितना हुआ यहाँ पे 10। अब देखो यहाँ डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस आएगा 1 का, मतलब अब यहाँ पर इस संख्या में 11 से भाग नहीं जा पाएगा। हाँ, अगर इसी की जगह पर यहाँ कितना होता, 3 होता, ठीक है, अगर यहाँ पर 3 होता तो हम क्या करेंगे, देखो फिर से 5 3 8 और 1 9, ये और प्लेसेस वाले हो गए, और 6 और 3 ये भी 9, डिफरेंस कितने का आ गया, 0 का डिफरेंस। अब यहाँ पे 0 का आ गया, मतलब पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा,
ठीक है, आप चाहें तो इसको ट्राई कर लेना अपनी कॉपीज़ में, ये 11 से डिवाइड होने वाला है ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 और 11 ये सारे बता दिए हैं। अब बचे हुए हैं 6, 12, 14, 15, 16 बता दिया है ना, इनको करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 में क्या चेक करते हैं हम, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 4 में क्या होता है आप आखिरी के 2 अंक देखते हैं, और 8 में क्या होता है आप आखिरी के 3 अंक देखते हैं ना, ऐसे 16 में हम आखिरी के 4 अंक देखते हैं, और आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहता है ना। 5 में क्या होता है यूनिट प्लेस पे देखते हैं या तो 5 हो या फिर कितना हो 0 हो। ऐसे 25 में आखिरी के 2 अंक देखते हैं, और 125 में आखिरी के 3 अंक, और 625 में आखिरी के 4 अंक देखना होता है ना। 3 और 9 के केस में क्या रहता है, आप जो जितने भी जो नंबर में जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं आप सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे जो सम आया है, यदि वो नंबर जो सम आया है यदि वो सम 3 या फिर 9 से डिविजल होता है तो नंबर भी 3 या 9 से डिवाइड हो जाएगा। यदि हम 3 की बात करेंगे तो सम को 3 से डिवाइड होना चाहिए, यदि हम 9 की बात करते हैं तो सम को 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और 7 और 13 के लिए मैंने आपको बता दिया था हम ग्रुपिंग करते हैं, इवन वाले ग्रुप को अलग कर देंगे, ऑड वाले ग्रुप्स को अलग कर देंगे, ग्रुप 3 के रहेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर वो नंबर होना चाहिए जो 7 या 13 से डिविजिबल हो। 11 केस में क्या करते हैं हम 7 और 13 करते हैं, लेकिन ये हम ग्रुपिंग नहीं करते, हम सिंगल सिंगल डिजिट को काउंट करते हैं ना। अब बात आती है 6, 12, 15 इस तरह से और भी है ना। ठीक, अब हमको पता करना है कि किसी का यहाँ 36 भी ले सकते हैं, 72 भी ले सकते हैं, ये सारे नंबर्स रहते हैं। आपको जैसे फाइंड करना है कौन से नंबर 72 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब नंबर काफ़ी बड़ा है, देखने में कठिन लग रहा है लेकिन काफ़ी इजी रहेगा, ध्यान देना। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, वो अलग पोर्शन रहा। अब इनको जो नए क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, इनको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मतलब कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। मेरा कहने का मतलब आपको अगर देखना है कि कौन सा नंबर 15 से कैंसिल आउट हो रहा है नहीं हो रहा, जैसे मैंने लिख दिया 45, और यदि मैंने लिख दिया 45 भी ना लिख के मैंने लिख दिया 455 है ना। अब ये नंबर थोड़ा बड़ा हुआ, अब जैसे हम देख के तुरंत नहीं समझ पा रहे हैं कि नंबर 15 से डिवाइड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो हम या तो ये भाग लगा कर देखेंगे या फिर आप क्या कर सकते हैं 15 को आप ब्रेक करते हैं को प्राइम नंबर्स में, 3 और 5 हुए को प्राइम नंबर्स। तो अब क्या करेंगे, अब बस 3 और 5 का भाग लगा कर देख लीजिए, 3 के लिए क्या करते हैं हम 5, 5, 10, 4, 14 लो यहाँ पर भाग नहीं जा पा रहा, मतलब अगर इस नंबर में 3 से भाग नहीं जा पा रहा मतलब इस संख्या में 15 का भाग भी नहीं जा पाएगा। हाँ, हालांकि 5 का भाग इसमें जा रहा था लेकिन दोनों से भाग जाना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा अब हम पहले को प्राइम नंबर समझते हैं, बाद में हम यहाँ थोड़ा बारीकी में आएंगे। अब भाई को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सहभाज संख्याएं है? सहभाज संख्या वो होती हैं जैसे कि 4 और 9। भाई भाज्य ये भी है, भाज्य ये भी है, मतलब इसमें भी किसी संख्या का भाग चला जाता है, इसमें भी किसी संख्या का भाग चला जाता है, लेकिन ये दोनों नंबर जो आपस में किसी कॉमन नंबर से नहीं कैंसिल हो रहा है, ये जो 4 और 9 दोनों ही नंबर हैं किसी आपस में किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है, तो इसलिए क्या कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे मैं कहूँ आपसे 15 और 16, भाई भाज्य ये भी है, भाज्य ये भी है, लेकिन ये दोनों जो हैं आपस में किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे, एक को छोड़कर है ना, दोनों आपस में किसी कॉमन से नहीं कट रहे, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाते हैं सहभाज्य कहलाएंगे, मतलब को प्राइम कहलाएंगे। हमारे जो अनुपात होते हैं रेशो को प्राइम नंबर्स में ही निकल के आते हैं हमेशा। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ आपसे क्या 4 और 6 को प्राइम नंबर है, तो नहीं 4 और 6 को प्राइम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपस में 2 से भी कट रहे हैं एक के अलावा। पॉइंट समझ में आया हमको। जैसे मैं कहूँ आपसे क्या 8 और 12 को प्राइम नंबर्स है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 2 से भी कट रहे हैं 4 से भी कट रहे हैं, है ना। तो को प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं, जो भाज्य तो हो सकते हैं लेकिन आपस में किसी कॉमन नंबर से नहीं कटेंगे, एक को छोड़कर, है ना।
तो आइए वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। मान के चलिए आपको चेक करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या इस नंबर में 12 का भाग जाएगा? ठीक है, तो या तो आप पूरे में 12 का भाग लगाकर देखेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, 12 को ब्रेक कर लीजिए को प्राइम नंबर में। ध्यान देना 12 जो है ब्रेक हो सकता है 6 और 2 में भी, लेकिन 6 और 2 को प्राइम नहीं है, को प्राइम क्या है, सिर्फ 4 और 3 है ना। तो हमको इनको सहबाह संख्या में ब्रेक करना होता है। तो क्या देखा मैंने, अब 4 के केस में क्या करते हैं, हम आखिरी के 2 अंक में भाव लगाते हैं। क्या 56 4 से डिविजिबल है? तो हाँ है। 3 में क्या करते हैं, हम आप सभी को ऐड करेंगे। तो क्या रहा मैंने, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, क्या 21 3 से डिविजिबल है? तो हाँ है। मतलब इस संख्या में 4 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, मतलब अब इसमें 12 का भाग भी जाएगा। पॉइंट समझ में आया हमको? अब जिन सहबाह संख्या में आपने इनको ब्रेक किया, उन दोनों से भाग जाना चाहिए, और तीनों से भाग जाना चाहिए, है ना। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमको चेक करना है कि भाई क्या ये नंबर 72 से डिविजिबल है। अब 72 से डिविजिबल होने के लिए मैंने कहा आप इनको ब्रेक कर दीजिए, किसमें, सहबाज में, 8 और 9 में कर दिया मैंने। हाँ, आप चाहें तो 8 को और भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 8 अब सहबाज संख्या में ब्रेक नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमने 72 को सहबाज संख्या में तोड़ो, क्या रही 8 और 9। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। मैंने 8 और 9 दोनों ही कंडीशन आपको बता दी। 8 के लिए क्या करते हैं, हम आखिरी के 3 में भाग लगाते हैं, और 9 के लिए क्या करते हैं, हम सभी अंकों को जोड़ते हैं, सम आएगा, सम यदि 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। हाँ, अगर अब ये नंबर 8 से भी कैंसिल हुआ और 9 से भी कैंसिल हुआ, मतलब नंबर 72 से भी कैंसिल हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा हम लोग को अच्छे से। अब ये फंडा जो है, जैसे 6 में आप क्या करते हैं, 2 का और 3 का दोनों का भाग जाना चाहिए, सहबाज हो जाएंगे ना। 12 में क्या करेंगे, 3 और 4 करेंगे। 15 में क्या करेंगे, 3 और 5 का कर लेंगे ना। 36 में क्या करेंगे, 9 और 4, 8 और 9। मतलब ज़रूरी नहीं कि यही नंबर, आप और भी जितने भी नंबर्स आप ट्राई कर सकें, जैसे कि 24 भी हुआ, तो 24 में क्या कर सकते हैं, हम क्या हम 6 और 4 लेंगे इसमें, नहीं 6 और 4 नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। आप इसमें क्या कर सकते हो, 8 और 3, ये को प्राइम है। अगर किसी संख्या में 8 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा, मतलब उसमें डेफिनेटली 24 का भाग भी जाएगा। अब इनके अलावा और भी जितने भी नंबर्स होते हैं, अब बड़े से बड़े नंबर को देख लेना, बस उनका आपको ब्रेक करना होगा को प्राइम में। उनका जो को प्राइम नंबर्स हैं, यदि उनको उस संख्या में भाग जाएगा, मतलब उस नंबर का भी उस संख्या भाग चला जाएगा, है ना। ये जो मैंने बताया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इनको ध्यान रखने आपके हमेशा काम आएंगे। अगर आप चाहें तो इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना लीजिएगा, ठीक है। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। जैसे एक छोटा सा प्रश्न मैं अभी यहाँ पे आपसे पूछूं, जो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, जो हर किसी एग्ज़ाम में आता है, जैसे लिखा हो यहाँ पे 2, 3, 4, x, 5, 1। ये नंबर आपको 3 से डिवाइड करना है। आपको ये बताना है कि इस x के प्लेस पर वो कौन सा नंबर आएगा जिससे पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो। तो आप क्या करेंगे, 5 और 1 6, 4 10, 3 13 और 2 15। अभी 15 तो वैसे हो रहा था, लेकिन हमको भी यहाँ पे x को फिल करना पड़ेगा, तो 15 प्लस में x आएगा, वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 3 4 मतलब 4 5, ठीक है। अब या तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कितना, 0, ठीक है, और 2, 1 और 4। अगर यहाँ पर 0 होता तो सम कितना आएगा, 15 और 0 का 15, मतलब अगर 15 3 से डिविजिबल, मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 0 ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 3, तो 15 3 हो जाएगा 18, तो आप 18 3 से डिवाइड होगा। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। क्या करते हैं, सभी का सम करते हैं, जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है ना। तो जितना मैंने अभी बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
और मैं उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे हम किसी और वीडियो में देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।